जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, यही पूछ रहे थे। आप बताइए जियोग्राफी का मतलब आपने क्या बताया था? अच्छा, आपसे क्या पूछा गया था भाई बहन में? हम भूल गए सब। दिन में तारे दिखाई देते हैं तो आपने क्या बताया? हाँ, दिखाई देते हैं सूर्य, देते हैं तारे तो। प्रधानमंत्री का मैं नाम नहीं जानता हूँ। काहे नहीं जानते हैं? अरे मैं यहाँ का नहीं ना हूँ। आपने परमिशन ली है? परमिशन तो स्कूल के अंदर लिया जाता है, स्कूल के बाहर थोड़ी परमिशन लिया जाता है। बाहर भी कौन से क्लास में हो आप लोग? कक्षा 12 में। 12th में हो? तो प्रैक्टिकल था आज का, वाइवा था। हाँ, जियोग्राफी में क्या क्या पूछ रहे थे सर ने? क्या पूछा था? सूत्र पूछ रहे थे, सूत्र पूछ रहे थे और सब बाहरी शब्द पूछ रहे थे। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, यही पूछ रहे थे। आप बताइए जियोग्राफी का मतलब आपने क्या बताया था? हमसे नहीं पूछा गया था। हम बताइए जियोग्राफी का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना, जिसे मतलब जियोग्राफिक होता है। जियोग्राफिक लैटिन के ग्रीक भाषा से लिया गया था, 3000 ईसा पूर्व पहले लिया गया था। अरे बहुत बढ़िया। और आपसे क्या पूछा गया था? देशांतर पूछा गया था, तो 360 था। अच्छा, पूछा गया था। अच्छा, पूछा गया था दिन में तारे दिखाई देते हैं तो आपने क्या बताया? हाँ, दिखाई देते सूर्य, देते हैं तारे तो ही सूर्य दिखाई देते हैं। हाँ, और आपसे क्या पूछा गया था ज्योग्राफी में? सूत्र। क्या, कौन सा सूत्र? माध्यिका का। यम बराबर यल प्लस आई बटा यह यन बटा टू माइनस सी कोष्टक में, माध्यिका का सूत्र। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आप लोगों ने। क्या नाम है? मुकेश। मुकेश कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। कक्षा 8th में। कक्षा 8th में। हाँ हाँ। तो अच्छा ये बताओ क्या क्या पढ़े आज? आज क्या पढ़े? मतलब जिसे हम लोग हिंदी उन्दी पढ़े, सर पढ़ाए। और किस राज्य में रहते हैं आप, पता है आपको? राज्य उत्तर राज्य। किस स्टेट में रहते हैं? स्टेट में मतलब राज्य उत्तर प्रदेश में ना। हाँ, उत्तर प्रदेश। हमें पता है कि आपको मालूम है आंसर इसका, है ना? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है भैया? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और भारत की? नई दिल्ली। नई दिल्ली। और सीएम कौन है उत्तर प्रदेश का? सीएम उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। योगी आदित्यनाथ है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? प्रीतेश कुमार मंदलवाल। भाई बढ़िया हो रही है जी? बहुत अच्छा है ना। अब देखिए यहाँ पे बहुत और भी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। क्या नाम है? चांदनी पाल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9। 9th में। और आप? दीपा कुमारी। दीपा कुमारी। अच्छा, ये बताओ कि अपने राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति बताओ कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना। यस। राष्ट्रपति आप लोग अगर देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा कि राष्ट्रपति कौन है अपने भारत देश के। क्या नाम है बाबू आपका? शिवानी। राष्ट्रपति कौन है आप बताइए? द्रौपदी मुर्मू। हाँ, द्रौपदी मुर्मू। क्या बात है, बच्चे मतलब टैलेंटेड है यार, बहुत बढ़िया। आपने परमिशन ली है? परमिशन तो स्कूल के अंदर लिया जाता है, स्कूल के बाहर थोड़ी परमिशन लिया जाता है। बाहर भी आवश्यक है? नहीं तो हमें नहीं लगता कि बाहर के लिए परमिशन हो, क्योंकि कहीं पे भी जैसे हम स्कूल के बाहर बना रहे, स्कूल के अंदर तो गए नहीं। किस चैनल के लिए है? पब्लिक क्विज चैनल है अपना, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सवाल नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे। हम ये बस जानना चाहते हैं, वाइवा था आज? जी सर। कौन सी क्लास में हो? 12। 12 में। अच्छा, बहुत बढ़िया। किस स्कूल में पढ़ते हो बाबू आप? सर श्री विजयत आदर्श इंटर कॉलेज चोखड़ा में। तो आप मुझे ये बताइए कि वाइवा में किस तरह के सवाल पूछ रहे थे सर लोग? सर मतलब जो हम लोग बनाए थे फाइल और चार्ट पेपर, उसी के बारे में पूछ रहे थे सर। जी सर। एका के याद है आप लोगों को, किसी को भी कुछ याद है क्या पूछे थे? किसी को भी कोई याद हो तो बता दो। याद है किसी को? सर ये पूछे थे कि पृथ्वी किस दिशा से घूमती है, तो हम बोले कि सर पूर्व से पश्चिम घूमती है। अच्छा। जी सर। और कुछ सर? कुछ नहीं। अच्छा, इन दीदियों से बात कर लेते हैं ना दीदी। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, चलिए ठीक है, मैं अपनी छोटी बहनों से पूछ लेता हूँ, है ना? हाँ, देखो कितना कितना अच्छा ना? हाँ, क्या नाम है आपका? राधिका सिंह मेरा नाम है। अच्छा, सारे लोग साइकिल से आते हो आप लोग? हाँ सर। कहाँ से आते हो सर? कुछ और दूरी से आते हैं। घुमाओ ना इधर से के लिया। चलो कोई नहीं। अरे रुको, अरे वो सब रहेंगे तब ना। अरे साथ कोई बात नहीं। अरे रुक जाओ बहन, क्या नाम है आपका? बोलो जल्दी, चलो। सर सरमाना नहीं है, देखो एजुकेशन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ और तो पूछ नहीं रहे ना। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सीतापाल। सीतापाल,
यहाँ पे अभी वाइबा था तो आपसे कौन से सवाल किए गए थे, आप एक सवाल बताइए। हमसे तो पूछा रुक जाओ अभी, हाँ क्या पूछा गया था आपसे? पूछा गया था कि ग्रह कितने होते तो बताए हैं, आठ। आठ होते हैं? हाँ। और क्या पूछा गया था? अरे बहुत पूछा गया था, हमको नहीं याद है, भूल गए सर। और क्या भूल गए? हाँ। अरे जाने की, देखिए ये चाहती हैं कि अपनी जो है यहाँ पे बहने हैं, रुक जाओ। आपसे क्या पूछा गया था? आपसे क्या पूछा गया? बस मेरा रोल नंबर पूछा गया था और नाम बस। अरे क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा, सिर्फ नाम पूछा गया था, एक सवाल नहीं पूछा गया था आपसे? नहीं, वो तीन लोग थे ना, तीन लोग के बीच में बोल रही थी तो दो लोग क्या पूछे थे तीन लोगों के बीच में? सर सर ने क्या पूछा था एकाक, आपको ध्यान में होगा? क्या है भारत की राजधानी? नई दिल्ली। और उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया। रुक जाइए रुक जाइए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी भूतपूर्व छात्र हैं। भूतपूर्व मतलब पहले आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं, और किस क्लास तक आप पढ़े थे? टेंथ तक। टेंथ तक, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? आनंद सिंह गौतम। आपका तो वाइबा है नहीं, लेकिन आप घूमने टहलने आ गए हैं, तो आप एक बात बताइए। देख के आए, ऐसे भी हमको आना जरूरत है नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए चलिए। तो आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कोई नाम पता है? सर मैं इतना राजनीति नहीं करता ना सर। राजनीति नहीं करता सर, बता चले पढ़ाई की वजह से सब कुछ आता है ना दिमाग में, ऐसे बिल्कुल नहीं आता है कोई भी चीज़। मतलब कि ये लड़के थोड़ी है कि मतलब कि लिख दिए नाम हो गया, कोई बात लड़के नहीं। मतलब लिखते तो नहीं, बात नहीं। लेकिन लेकिन जो लोग वीडियो देख रहे हैं अलग अलग राज्य से देख रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं अपने राज्य के राज्यपाल का नाम आप जरूर कमेंट करें, और उत्तर प्रदेश के ही भी अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम जरूर कमेंट करें, ताकि आप वीडियो जब देखेंगे मैं पता करके सोच लूंगा। तो आप भी कमेंट कर देना, कर देंगे है ना। आप क्या नाम है आपका? करीम हाशमी। पढ़ाई कर रहे थे? नहीं सर मैं यहाँ पढ़ाई नहीं करते थे। मैं विद्यालय के बाहर आप खड़े हैं तो आपसे एक कुछ मैं पूछ लेता हूँ, चूँकि सभी लोग आंसर कर रहे हैं तो एक आंसर आप बताइए मुझे, पूछ लें। पूछो। प्रधानमंत्री का क्या नाम है आपके? यहाँ प्रधानमंत्री का? हाँ। अरे नाम प्रधानमंत्री का मैं नाम नहीं जानता हूँ। हाँ, काहे नहीं जानते हैं? अरे मैं यहाँ का नहीं ना हूँ। कहाँ के हैं आप? सेमरा बरहो का। सेमरा बरहो कहाँ आता है, भारत में है कि पाकिस्तान में? भारत में है। देखिए चीटिंग करा रही हैं आप लोग। सेमरा बरहो कहाँ है? सेमरा बरहो और है। भारत में है? भारत में है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। हाँ, अब आप लोग भी बताइए भारत के प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री का नाम बताइए आप लोग। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप लोगों का वाइबा, आप सबका वाइबा हो गया। अच्छा आपसे क्या पूछा गया था वाइबे में? हम भूल गए सब। कोई बात नहीं, कोई एकाक याद नहीं? नहीं सर। कौन कौन सा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ती हैं आपके? संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, भूगोल। भूगोल भी है? अच्छा तो पूछे जाते हैं भूगोल का ही, हम लोग का तो भूगोल का ही प्रैक्टिकल होता है ना। भूगोल का प्रैक्टिकल? हाँ। सवाल नहीं करेंगे, बस बातें कर रहे हैं, सवाल नहीं करेंगे। देखिए सवाल करने की हैसियत हमारी नहीं है आप लोगों से, आप लोग प्रैक्टिकल देकर आ रहे हैं, और आप लोग देश के भविष्य हैं, है कि नहीं? क्या बनेंगे आप बड़े होके? जो किस्मत में होगा वो बनेंगे, पढ़ लिख कर जो होगा। तो किस्मत तो हमें खुद से बनानी होती है, हमारी स्टडी पर, हमारी काबिलियत पर हमारी किस्मत बन। पढ़ रहे हैं, आगे जो होगा तो देखेंगे। हम लोग का इधर 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 क्या बोले क्या बनना है बड़े होके? कुछ भी बनेंगे, पुलिस बनना है। पुलिस में जाएंगे? देखिए बहुत बढ़िया, ये जो है भारत का भविष्य है, और ये बच्चियां जो है पुलिस में बनेंगी। अभी आप जो सोच लेते हो वो आप बनोगे भी, बिल्कुल आप लोग जा सकती हैं। थैंक यू सो मच।